एक बिल्डिंग का ओनर जो अपने बिल्डिंग में रहने वाले सब लोगों की लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये सारी सिचुएशन एक बहुत ही बड़ा डार्क टर्न लेती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी द टेनेंट्स डाउनस्टेयर्स इसी थीम पर बेस्ड है। ये मूवी बहुत अलग अलग टर्न्स लेती है जिसकी एंडिंग भी शॉकिंग है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर एक बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड ये पुलिस के यहाँ इंटरोगेशन के लिए है। जो भी हुआ इसके बारे में उसे वो पूछ रहे थे, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब पुलिस के पास सब सिचुएशन जानने के लिए बहुत ही कम टाइम है। लैंडलॉर्ड उन्हें स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। वो कहता है, मेरा एक रिलेटिव हॉस्पिटल में बहुत ही बीमार था। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग ओन करता था और उसकी चाबी उसने लैंडलॉर्ड को दे दी। इसके बाद उसकी डेथ हो गई। हमारा लैंडलॉर्ड बिल्डिंग देखने के लिए गया। वहां पर उसने नोटिस किया, प्रीवियस लैंडलॉर्ड इसने सारे बिल्डिंग में कैमरास इंस्टॉल किए थे। उसके टेनेंट क्या करते थे यह हमेशा उसे पता होता था। इसके बाद एक एक कर इस बिल्डिंग में रहने के लिए टेनेंट आना स्टार्ट करते हैं। इसमें से एक कैरेक्टर का नाम था वैंग, जो अपनी डॉटर के साथ वहां रहने के लिए आया हुआ था। लैंडलॉर्ड कहता है कि अपनी बेटी को जिस तरह से देखता था ये बहुत ही अजीब था। इसके बाद लैंडलॉर्ड ने ली और लिंगू इन गे कपल को भी रहने के लिए अलाउड किया था। इसी बिल्डिंग में और एक यंगस्टर रहता था जिसका नाम था बोयान। वो एक गेमर है और बिलीव करता है कि उसके पास सुपर पावर्स है। अपने माइंड से वो चीजों को बेंड कर सकता है। यहाँ और एक कैरेक्टर रहती है जिसका नाम है चेन। चेन के घर पर हमेशा उसके कोवर्कर्स आते रहते हैं। लैंडलॉर्ड को लगता है कि चेन कुछ भी गलत नहीं कर रही इस वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ वो अपनी बॉडी को यूज कर रही है। चेन इतनी ब्यूटीफुल थी तो इस बिल्डिंग के सब लोग उसके लिए पागल थे। रात में जब वो किसी के साथ इंटीमेट होती थी तो उसकी आवाजें सुना करते थे, उसे देख सके इसलिए दूरबीन लगाते थे। मिस चेन के ऊपर ही एक जिम ट्रेनर रहते हैं। लैंडलॉर्ड कहता है, हमारे यहाँ और एक लड़की रहती थी, इसका नाम था यिंगरू। यिंगरू के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। वो क्या काम करती थी, कब आती थी, कब जाती थी, कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो उसके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। लैंडलॉर्ड ने यूरिक रूम में बहुत सारी जो सूटकेस थी इसे जाकर चेक करने का ट्राई किया। तभी यिंगरू अपनी बॉयफ्रेंड के साथ वहां पहुंच गई। जल्दी से लैंडलॉर्ड बेड के नीचे ही छुप गया। यिंगरू अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो जाती है। बाद में उसे लैंडलॉर्ड को नोटिस किया, पर वो कुछ भी बोली नहीं। लैंडलॉर्ड ने यिंगरू का बॉयफ्रेंड ये बाथ टब में देखा। वो इंजर्ड होकर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। अब यिंगरू उसे मार सकती थी। लैंडलॉर्ड जल्दी से भागा और पुलिस को रिपोर्ट करने वाला था, पर अपना माइंड उसने चेंज कर दिया। यिंगरू जब वापस आए तो अपने बॉयफ्रेंड के माउथ पर वो गम लगाती है, नीडल से उसे सॉ कर दिया। बॉयफ्रेंड को जिंदा रखने के लिए उसने उसे सलाइंस लगा कर रखी है। नेक्स्ट सीन में यिंगरू लैंडलॉर्ड के पास आई, उसे लाइटर पूछती है। लैंडलॉर्ड इंट्रिग्ड था कि उस मैचेस से वो करेगी क्या। यिंगरू ने कैंडल जलाए, उसके वैक्स से अपने बॉयफ्रेंड को बर्न्स दिए। उसे स्लोली स्लोली कट भी कर रही थी। एक दिन लैंडलॉर्ड यिंगरू से मिलने के लिए आया। उसे पूछता है, तुम काम क्या करती हो। यिंगरू ने कहा कि मैं हमेशा वक्त पर रेंट देती हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो लैंडलॉर्ड से पूछती है कि आप क्या काम करते हो। लैंडलॉर्ड कहता है, रेंट लेने के अलावा मुझे और भी कोई काम नहीं आता। यिंगरू ने कहा, एक ही रूटीन बहुत ही बोर हो जाता है, लोगों को हमेशा उनकी लाइफ में चेंजेस चाहिए होते हैं, आपको भी उसी तरीके से जीना चाहिए। ये चीज लैंडलॉर्ड को इंटरेस्टिंग लगी। वो वैसे भी अपने सब टेनेंट्स को देखता रहता है, उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में उसे सब कुछ पता है। अब वो डिसाइड करता है कि सारे टेनेंट्स की लाइफ को कंट्रोल करेगा। रात में सबको यिंगरू ने डिनर के लिए बुलाया हुआ था। यिंगरू ने लाया हुआ मीट ये सबको बहुत अच्छा लगता है। सबके चेहरे पर कन्फ्यूजन और यिंगरू के कैरेक्टर से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मीट उसके बॉयफ्रेंड का है। डिनर करते हुए ली ने गेमर बोयान को अपने हाथ से मीट खिलाया। ली के बॉयफ्रेंड लिंगू को ये पसंद नहीं आता। इसी बात को लेकर लिंगू ली से बात करता है। ये दोनों फिर इंटीमेट होने वाले थे, पर लिंगू ने ली से कहा, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही होगी। इसका मतलब है ये गे कपल है, पर इसमें से ली की शादी हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में लैंडलॉर्ड एक मेडिकल में गया। उसने एक ड्रग लिया जिसका नाम है एफ्रोडेसियाक। ये ड्रग अगर कोई लेता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें इंटीमेट होना चाहिए। ये ड्रग लैंडलॉर्ड ने मॉस्किटो की कॉइल्स में लगा दिया, यानी कि सब इसे इनहेल करे। लैंडलॉर्ड ने सिर्फ गेमर को ये ड्रग नहीं दिया, इसके अलावा उसे नींद की गोली उसने दे दी थी।
रात में उसके कपड़े निकाल कर उसे अलग जगह पर वो छोड़ कर आया। गेमर जब अगली सुबह उठा तो उसे लगा कि उसने टेलीपोर्ट किया है, जैसा उसे हमेशा से लगता है कि उसके पास सुपर पावर है। इसी चीज को लेकर अब लैंडलॉर्ड उसे मैनिपुलेट कर रहा है। एयर में ड्रग्स इनहेल कर सब लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को प्लीज किया। अगले दिन लैंडलॉर्ड फिर से गेमर को ड्रग कर उसे अलग जगह पर छोड़ देता है। लैंडलॉर्ड ने सब लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। इसके पैरेलल में हम इंग्रू को और एक लड़की को घर लाता हुआ देख सकते हैं। अब वो उसका भी मर्डर कर डालती है। मिस चेन के ऊपर रहने वाले जिम टीचर को उस पर बहुत क्रश था। अब जिम टीचर को लग रहा था कि उसे चेन को और भी ज्यादा जान लेना चाहिए। वो इसके लिए उसके रूम में घुस गया। तभी मिस चेन अपने कोवर्कर को उसके घर लेकर आई। जिम टीचर डर कर क्लोजेट में छुप जाता है। ये दोनों इंटीमेट होने लग गए तभी मिस चेन के कोवर्कर को कॉल आ जाता है। वो उसके साथ इंटीमेट हो नहीं पाया। इसके बाद मिस चेन ये शावर में चली गई। ड्रग्स की वजह से जिम टीचर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो मिस चेन के पास शावर में आ जाता है। मिस चेन उसे देखकर सरप्राइज तो थी, पर वो ड्रग्स पर है तो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जैसे कि हमें पता है कि ली और लिंगू इन गे कपल्स में प्रॉब्लम चल रहे थे। ये सब तब से स्टार्ट हुआ जब ली ने अपने हाथों से गेमर को मीट खिलाया था। लैंडलॉर्ड ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने गेमर को बेहोश कर ली और लिंगू के रूम में छोड़ दिया। थोड़ी देर में जब ली घर पर आया तो उसे लगा कि लिंगू गेमर के साथ इंटीमेट हुआ। इस बात पर इन दोनों में फाइट हो गई। गेमर को थोड़े टाइम में होश आया। उसने उनसे कहा कि मैंने टेलीपोर्ट किया, इसी वजह से मैं यहाँ हूँ, पर उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता। ली और लिंगू में फिर से झगड़ा स्टार्ट हो गया। ली सब चीज़ों में फंस चुका था। उसकी डॉटर थी, वाइफ थी, और एक जगह पर लिंगू था। वो एक चाकू लेता है और कहता है कि हम दोनों मर जाते हैं, इससे सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिंगू इसके लिए नहीं मानता। इसके बाद ये दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे तभी ली ने अपने हार्ट में चाकू डाल दिया। उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। लिंगू को क्या किया जाए ये समझ में नहीं आया। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं इंग्रू एक छोटी लड़की को किडनैप कर लेकर आई है। ये इसी बिल्डिंग में रहने वाले यांग की बेटी है। लिंगू जब सब कुछ फिगर आउट कर रहा था ली के बॉडी के साथ क्या किया जाए, तभी लैंडलॉर्ड उसके रूम में गया और ली की बॉडी को गेमर के रूम में छोड़ कर आया। अपने रूम में आने के बाद लैंडलॉर्ड ने नोटिस किया यांग की डॉटर को इंग्रू ने अपने रूम में बंद कर दिया है। लैंडलॉर्ड जल्दी से पहुंचता है और उसे वहां से बचा लेता है। कुछ प्रीवियस सीन में हमने देखा जिम टीचर और मिस चैन ये दोनों इंटीमेट हुए थे। इसके बाद जिम टीचर उसके प्यार में था। मिस चैन ने अपनी जो लाइफस्टाइल जिस तरह से चल रही थी उसी तरीके से कंटिन्यू की। उसके कोवर्कर उसके पास आते रहे, उसके साथ इंटीमेट होती रही। इन सब बातों से जिम टीचर परेशान हो गया था। वो मिस चैन के पास जाकर उसे समझाता है कि अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मिस चैन कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे क्लाइंट्स मुझे कितना पे करते हैं, एक जिम टीचर की सैलरी पर मैं खुश नहीं रह सकती। जिम टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसने मिस चैन को हर्ट कर दिया। वो अपनी वाइफ को भी मारा करता था, इसी वजह से उसका डिवोर्स हुआ था। जिम टीचर जब फिर से अपने फ्लैट में पहुंचा तो लैंडलॉर्ड ने वैंग की बेटी को उसके क्लोजेट में रख दिया था। ये उसने नोटिस किया और उस लड़की को अपने क्लोजेट में देखकर वो बहुत ही डर जाता है। वैंग अपनी बेटी को ढूंढते हुए चैन के पास गया हुआ था। चैन उसे बता देती है कि शायद तुम्हारी बेटी जिम टीचर के पास होगी, उसके पास हर फ्लैट की चाबी है। वैंग जिम टीचर के यहाँ पहुंचा और सब कुछ ढूंढने लग गया। फाइनली अपनी बेटी को ढूंढ ही लेता है। वैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। जिम टीचर और उसमें लड़ाई हो गई। इस फाइट में वैंग की ही डेथ हो जाती है। इसके पैरेलल में हम देखते हैं गेमर को जब होश आया तब उसने नोटिस किया उसके रूम में ली की बॉडी पड़ी हुई है। वो बहुत ही डर गया, पर फिर भी उसने लिंगू को बुला लिया। वो कहता है इसकी बॉडी यहाँ कैसे पहुंची, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब ये दोनों इस डेड बॉडी को रिपोर्ट करने वाले थे तभी लैंडलॉर्ड ये देखकर वहां आ जाता है। वो कहता है अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो मुझे कोई भी फ्यूचर टेनेंट्स मिलेंगे नहीं। लिंगू और गेमर भी इस मैटर को दबाने के लिए मान जाते हैं। लैंडलॉर्ड ने कहा इस बॉडी को अब तुम दोनों मिलकर काट डालो, इसका हम कुछ ना कुछ तो कर डालेंगे। अब हम देख सकते हैं इस स्टोरी में दो मर्डर हो चुके हैं, एक वैंग का और दूसरा ली का। जिम टीचर के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो भी वैंग को अपनी बैग में भर कर वहां से लेकर जा रहा था। लिंगू और गेमर ली की डेड बॉडी के साथ और जिम टीचर वैंग की डेड बॉडी के साथ हॉलवे में मिलते हैं।
ये तीनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे। जिम टीचर को लगता है गेमर ने वैंग की डॉटर को उसके क्लॉजेट में डाल दिया, क्योंकि गेमर ही हमेशा अलग अलग जगह पर उठता रहता है। इनकी फाइट हो के और सबको डेड बॉडीज के बारे में पता चल गया। इसी वजह से पुलिस को बुलाया गया था और लैंडलॉर्ड कस्टडी में है। इस बिल्डिंग से ये सब लोग गायब थे, तो इसे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लैंडलॉर्ड को बुलाया गया था। पुलिस को लैंडलॉर्ड की स्टोरी पर बिलीव नहीं होता, तो उसका बैकग्राउंड वो चेक करते हैं। वहां से उन्हें पता चला कि लैंडलॉर्ड एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। एक बड़े सीरियल किलर को पकड़ने की टीम पर वो था। ये सीरियल किलर हमेशा हाई स्कूल की लड़कियों को मारा करता था। लैंडलॉर्ड ने उसे पकड़ा, पर उस सीरियल किलर ने प्रिटेंड किया कि वो पागल है, इसी वजह से उसे पागल खाने में डाल दिया गया था। लैंडलॉर्ड और उसकी टीम इस सीरियल किलर को सजा दिलवाना चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि लैंडलॉर्ड एज अ अंडरकवर एजेंट उस मेंटल हॉस्पिटल में जाएगा। लैंडलॉर्ड के जिस फ्रेंड को पता था कि वो एज अ अंडरकवर एजेंट उस मेंटल हॉस्पिटल में जा रहा है, अचानक से उसका ही एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला जाता है। अब किसी को भी पता नहीं था कि लैंडलॉर्ड पागल नहीं है, पर फिर भी उसे मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इस टाइम में सीरियल किलर और लैंडलॉर्ड एक दूसरे के आसपास ही रहते थे। एक दिन कुछ अजीब से हालात में सीरियल किलर ने खुदकुशी कर ली। एक्चुअल में लैंडलॉर्ड ने उसका मर्डर किया था, पर सबको उसने कन्विंस कर दिया कि उसने खुदकुशी की है। इसके बाद हमें इस मूवी का सब कुछ सस्पेंस पता चलता है। मेंटल हॉस्पिटल में लैंडलॉर्ड को कुछ लोग फिजिकली अब्यूज करते थे। हमें मूवी में लैंडलॉर्ड ने कहा था इंग्रू क्या करती है, कैसे करती है, ये किसी को भी पता नहीं होता। इंग्रू नाम का कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंग्रू ने जिसका भी मर्डर किया, ये एक्चुअल में लैंडलॉर्ड ने किया था। अब वो किसी को क्यों मारेगा? अब लैंडलॉर्ड ने जिसका भी मर्डर किया, ये वही लोग थे जिन्होंने उसे मेंटल हॉस्पिटल में फिजिकली अब्यूज किया था। एक एक कर उसने सबसे बदला लिया है। फिर से प्रेजेंट में पुलिस सब टेनेंट्स की लिस्ट निकालते हैं। उनमें क्या रिलेशनशिप थी, इनके बारे में डिटेल निकालने के बाद उन्हें पता चला लैंडलॉर्ड ने जो भी उन्हें स्टोरी बताई, ये सब कुछ झूठ थी। उसके बिल्डिंग के लोग तो गायब हुए हैं, पर इस सब के पीछे सिर्फ लैंडलॉर्ड है। उसने सबका मर्डर किया था। जैसे कि हमें मूवी में दिखाया जाता है कि ली चीट कर रहा था। इसी के साथ वैंग अपनी डॉटर को बुरी नजरों से देखता था, उसे फिजिकली अब्यूज करता था। इन्हीं दो लोगों को लैंडलॉर्ड ने मार डाला। इसके पीछे स्टोरी फिक्शनल हो सकती है, पर लैंडलॉर्ड उन्हीं लोगों को मारता है जिन्होंने कुछ गलत किया था। फिर से एक फ्लैशबैक के सीन से हमें रिवील हुआ लैंडलॉर्ड की भी एक डॉटर थी। इसी डॉटर को एज अ इंग्रू इमेजिन करता था। सीरियल किलर स्कूल की लड़कियों को मारा करता था, तो उसने लैंडलॉर्ड की डॉटर को भी मारा है, इसीलिए लैंडलॉर्ड ने उसे बदला लिया। मूवी के फर्स्ट में लैंडलॉर्ड को अपनी बिल्डिंग की चाबी मिली थी, पर एक्चुअल में सीरियल किलर को मारने के बाद उसके पॉकेट से उसे चाबी मिली। लैंडलॉर्ड का बदला अब कंप्लीट हो चुका है, तो इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की मिस्ट्री और ट्विस्टेड एंडिंग पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए। जस्ट लाइक लैंडलॉर्ड।